और विकसित बनाने के सपने को साकार करेंगे। मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे देश की समृद्ध नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। मेरी माटी मेरा देश के संदर्भ में एक रैली ऑर्गेनाइज की है और इसमें हम लोग हमारी कोशिश रही कि जितने भी हमारे स्कूल हैं, खासकर जितने भी रूरल ट्रैफिक कश्मीर के हमारे अलग अलग यहाँ पे सेक्टर्स हैं, उसमें अपने जितने भी DSPs हैं और हमारे जितने भी ऑफिसर्स उनको इन्वॉल्व करके और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये मैसेज पहुँचाने कि हम लोगों ने अपने देश को आत्मनिर्भर करना है और उसके साथ साथ 2047 तक हम लोगों ने इसको आत्मनिर्भर सदृढ़ करना है और हम लोगों ने सेल्फ रिलायंट करना है ताकि हम लोग किसी भी देश के ऊपर निर्भर न रहें। स्टूडेंट जो हैं हमारे, दे आर अवर फ्यूचर एंड अवर होल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द अवर कंट्री ऑफ द नेशन डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स। और जो बच्चे जो हैं नौला होते हैं, नौनियाल होते हैं और वो जो इस जो सोच अभी से पकड़ लेते हैं वही सोच जो है वो फ्यूचर में भी जाती है और सोसाइटी का अगर एक पिलर माने तो स्टूडेंट्स ही रहते हैं, स्टूडेंट्स ही हमारा फ्यूचर बनते हैं और हमारा यूथ ही जो है एक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाता है और हमारे देश के तहत काम करता है और जब भी मौका मिलता है यही जो स्टूडेंट्स होते हैं फ्यूचर हमारा इन्हीं के हाथ में होता है और दे बिकम ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर्स, कई आर्मी में जाते हैं, कई पुलिस में जाते हैं और यू नो दैट दे आर द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी।